दोनों दोस्तों कैसे होंगे तो कैसे होंगे। तो यार फाइनली 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 मैंने सोचा कि अब जो है व्लॉग स्टार्ट कर ही देना चाहिए, क्योंकि चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, वीडियोज़ नहीं अपलोड हो रही हैं, अब मुझे टेंशन हो रही थी। और दूसरा ये है कि मैं ये स्टूडियो बना रहा हूँ, आप देख सकते हो, ये खुद ही मैं कटिंग वगैरह इसकी कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने कहा यार काफ़ी टाइम हो गया है, एक तो मैंने कोर्स करना था ऑटोकैड का, तो वो भी मैंने करना है, ठीक है, उसके अलावा भी। और ये पीछे मेरा सेटअप भी देख सकते हो यार ये। तो खैर आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो अभी मैंने चेक किया कि ये जो छोटा वाला पंखा चल रहा है ना, इसका थोड़ा सा शोर आ रहा है। खैर शोर को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, हालांकि माइक मैंने लगाया लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है वो शोर आ रहा है, तो ये है कि थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये मैं काम कर रहा था, ये खुद ही कटिंग कर रहा हूँ, मैं खुद ही टेबल बना रहा हूँ। एक दोस्त को बोला हुआ था लेकिन उसके पास अभी टाइम नहीं है, तो मैंने कहा चलो खुद ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो दिखाते हैं आपको अभी। Up all night by myself, trying to figure ways to you. Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel ये टीसा, एक तो ये कटा टेढ़ा है, ऊपर से ये जो है ये अब जो एंड वाला हिस्सा है, जो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये कट भी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। पसीना इतना ज़्यादा आया हुआ है और इसको काटने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। दोस्त ने बोला था कि संडे को कर देगा, लेकिन मुझसे वेट नहीं हो रहा क्योंकि मेरी वीडियोज़ वगैरह नहीं आ रही हैं। और अभी बहुत सारे मैंने जो है वो स्क्रिप्ट भी लिखे हुए थे जिस पर मैंने वीडियो बनानी थी, इस वजह से मैं खुद ही लगा हुआ हूँ। तो चेक करते हैं, अगर होता है काम तो इसको कम्प्लीट करते हैं। हालत देखो और इसको देखो, ये कट गया है लेकिन टेढ़ा कटा है, बहुत ही गंदा कटा है। अब इसको मैं लगा हूँ थोड़ा सा इसको सीधा करने के लिए, क्योंकि ये शेप है दीवार की, इसके मुताबिक इसको काटना है, उसके बाद लगाना है, और काम बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही डीड किस्म का है, इसको बड़ी देर से काट रहा हूँ, ठीक है, और ये कट ही नहीं रहा। इतना सा हिस्सा है, ठीक है, पीछे थोड़ा सा पीछे से हिस्सा रह गया, और ये और इसको ये वाली जो आ रही है ये भी गर्म हो चुकी है, और ये बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने सोचा था कि मैं इसको इजीली कर लूँगा, इसलिए मैंने इसको शुरू किया था। काम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा। फाइनली ये कर चुका है, थोड़ी सी शेप अभी भी ख़राब है, लेकिन ये मेरी दीवार है उसके हिसाब से जो है ये फिक्स हो चुका है। तो अगला प्रोसेस जो है वो इसको दीवार के साथ फिक्स कर देता है। तो अभी मैंने कीलें भी देखनी है, मुझे लगता है कि मुझे कीलें भी लाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास जब घर चेंज किया था तो उस टाइम मेरे घर में सामान ऊपर नीचे हो गया था, तो हो सकता है कि चीज़ें जो हैं हमारे पास ना हों, तो कीलें भी लानी पड़ेंगी। तो करते हैं आगे इसका भी कुछ। ये जो कर्व नज़र आ रहा है ना, ये वाला, यहाँ से ये दीवार पे फिट नहीं आ रहा, बाकी जो है ये सीधा सीधा सा कट गया है। आने से कील लेके आ गया हूँ, और जो कटिंग है टेबल की वो भी कम्प्लीट हो चुकी है। अब जो इसकी साइड्स हैं वो सारी कटिंग कर रहा हूँ। पहले मेरा इरादा था कि इसको दीवार के साथ लगाऊं, लेकिन अभी अबू ने कहा कि दीवार के साथ जो है इसको नहीं लगाना, कील वगैरह नहीं लगानी, तो इसलिए इसको कील इसका जो है नीचे फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो फ्रेम का काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कटिंग कर रहा हूँ, उम्मीद तो है कि टेबल अच्छा बनेगा। काफ़ी देर हो गई है, अभी खाना खाया है, क्योंकि काफ़ी देर से लगा हुआ था, भूख भी लग गई थी। तो ये दो जो हैं इसके कट गए, और एक जो है इसको हाफ मैंने काट लिया और हाफ रह गया, और गर्मी और पसीने से बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। टेबल कंप्लीट हो चुका है, पूरा सा बना है, मतलब थोड़ा सा ऊंचा भी बना है, मेरी वीडियोस के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी गुजारा करना पड़ेगा। आज की जो वीडियो थी उसका मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, लेकिन मैंने कहा चलो एक काम तो हो ही रहा है, सारा व्लॉग भी बन जाएगा। तो हाल तो मेरा थोड़ा सा ख़राब ही है। एक दो लोगों ने कहा है कि यार आप जब वीडियो बनाते हो तो मतलब अपना आपकी जो हालत होती है बहुत बुरी होती है, तो आपको पता ही है किस तरह के हालात थे, घर वगैरह का लेना था और इस तरह से काफ़ी सारे काम वगैरह थे, इस वजह से फिर काम नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह अभी स्टूडियो कंप्लीट होने वाला है, बस पेंट का काम रहेगा, पेंट हो जाएगा, और मैं चाय पी रहा हूँ। तो इंशाल्लाह पेंट का काम जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर दोबारा से स्टार्ट कर देंगे प्रॉपरली वीडियोस बनाना, ब्लॉग्स तो साथ साथ चलते रहेंगे। इसके अलावा टैक्स से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसमें भी बताएंगे। अभी मैंने स्क्रिप्ट लिखा था जो इलोन मस्क ने ट्विटर के बाद जो ट्वीट किया था कि मैं कोका कोला को ख़रीदने जा रहा हूँ, तो उसका मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट रेडी किया हुआ था, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं मिला,
क्योंकि स्टूडियो नहीं था और काफ़ी सारे लोग यही कहते हैं कि भाई आपके पास इतनी अच्छी मतलब वो जगह और बैकग्राउंड नहीं है, तो कोशिश करो कि बैकग्राउंड आपका इम्प्रूव हो। तो उसके लिए भी मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, वो भी जल्दी हो जाएगा। तो आप लोगों ने बस सपोर्ट करना है, अब से कोशिश यही है कि प्रॉपर व्लॉग्स वगैरह मैं लाता रहूँगा। तो खैर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आपने सपोर्ट ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।